14 देखो कह रहा है कि 6,4 से जाते हुए उस दीर्घवृत्त का समीकरण निकालें जिसकी नाभिया वाई एक्स पर और केंद्र मूल बिंदु तथा उत्केंद्रता जो है 3/4 है। तो उस माना माना दीर्घवृत्त का समीकरण समीकरण जिसका जिसकी नाभि सॉरी जिसकी नाभि नाभि क्या है, तो नाभि है वाई अक्ष पर तथा केंद्र मूल बिंदु है, केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना होता है। चलिए, चूंकि परवल है सॉरी चूंकि दीर्घवृत्त 6,4 से गुजर रहा है, तो यहाँ 6 और 4 रख देते हैं, तो 6 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर में 1, तो हो जाएगा 36/b² प्लस 16/a² बराबर में 1, ठीक है। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लो, चूंकि उत्केंद्रता जो दिया है 3/4 दिया है, e बराबर दिया है ना 3/4, तो e इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना c/a। चलिए जैसे 3/4, अच्छा दोनों तरफ वर्ग कर दें तो यहाँ हो जाएगा c² / a² और इधर हो जाएगा 9/16, यही ना होगा। अच्छा अगर हम c² के जगह पर चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ना a² - b² लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इधर, तो हो जाएगा 16a² - 16b² बराबर में 9a², ये आके इधर घट जाएगा और ये इधर जाके प्लस का, यानी कि ये आके इधर घटेगा तो हो जाएगा 16 में से 9 गया, 7a² - 16b² बराबर 0, 7a² = 16b² ये ना आएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू 16/7b², ऐसे हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू वहां रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 लिख लीजिए। समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 आपका यार 36/b² प्लस 16/a² इक्वल टू 1, 36/b² प्लस 16/a² इक्वल टू 1, यही ना है आपका। चलो तो इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे 16/7b² हो जाएगा, 36b² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/16/7b², इससे ये कट जाएगा एक बार में, ये पलट जाएगा ऊपर चलेगा 7, तो 36 और 7 36/b² और प्लस में आ जाएगा 7/b², तो 36 और 7 कितना जाएगा 43/b² इक्वल टू 1, यानी कि b² आपका क्या आ गया 43 आ गया, b² जो गया 43 आ गया, तो इसमें रख दो a² आ जाएगा। तो चूंकि a² बराबर क्या दिया है, तो a² बराबर है 16/7b², यानी 16/7 × 43, यानी कि यहाँ से a² आ जाएगा, इसमें 16 में 43 से इंटू करें 688 आ जाएगा और बट्टा में 7, ही ना आएगा। इसलिए हमारा समीकरण निकल गया, इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x² / b² यानी कि 43 प्लस y² / a² यानी कि 688 और बट्टा में 7 बराबर 1, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे आप लोग एलसीएम ले लो 688 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आपका एक स्टेप बच जा रहा है, 7 ऊपर चला गया समझो, यहाँ से इसमें इससे भाग करेंगे, इसमें इसे भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 16 बार में, और 16 जाके ऊपर गुना करेगा तो 16x² प्लस इसमें इसे भाग करेंगे 1 1 जाके ऊपर गुना करेगा, तो ये 7 तो ऊपर जा चुका है ना, तो 7y² समझ रहा ना इसमें किए क्या है। यहाँ पहले हम लोग ऐसे कर लिए हैं, ठीक है, अब इसके बाद एलसीएम लिए हैं, इसके बाद हम लोग एलसीएम लेके लिख रहे हैं, तो ये जाके उधर गुना कर देगा, 16x² प्लस का 7y² बराबर में 688, क्लियर है, चलते आगे। चलिए अगला